नमस्कार साथियों, बार बार अभी मुझे मीडिया बंधुओं के फोन आ रहे हैं कि सरकार ने आपको एक नोटिस दिया है जिसमें लिखा है कि आचरण नियम का उल्लंघन करके मैंने मकान पर अवैध कब्जा कर रखा है भोपाल में। तो चूंकि मेरे पास बहुत सारे पत्रकार बंधुओं के फोन आ रहे हैं और अब कल मेरे मकान का उद्घाटन है, मैं व्यस्त हूँ, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया ही था कि इस्तीफा देने के बाद जो मध्य प्रदेश शासन है वो तरह तरह के षड्यंत्र और साजिश रच करके मेरे खिलाफ जो है वो कार्य करेगी। और आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से मेरे इस्तीफे के बाद लगातार नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है और मुझे इस्तीफा के पहले आज तक कोई नोटिस भी नहीं मिला। और इस संदर्भ में यही कहना चाहूंगी कि मेरा जब ट्रांसफर नवम्बर में भोपाल से छतरपुर हुआ तो मुझे 4 महीने तक छतरपुर पर आवास आवंटित ही नहीं हुआ। मैं अपने परिवार के साथ रेस्ट हाउस में रहती थी, तो ऐसे में जब 4 महीने तक मेरा साढ़े चार महीने तक जब आवास नहीं था तो मेरा सामान कहाँ रहेगा? तो मेरा सामान जहाँ मेरी पहली उसके पहले की पदस्थापना थी उसी घर में रहेगा। तो मेरा सामान इसलिए भोपाल में रखा था, अब जब मुझे छतरपुर में मेरा मकान अलॉट हुआ तो हम अपना सामान लेकर के जा रहे हैं। लेकिन अब तो मैंने इस्तीफा ही दे दिया है तो अब तो इस मकान का कोई प्रश्न ही नहीं है। और मैं बताना चाहूंगी, शासन की नीतियों को देखिए और शासन का रवैया देखिए कि भोपाल के शासकीय आवासों में कई लोग बिना आवंटन के जो हैं वो सरकार के नुमाइंदी और बहुत सारे लोग जो हैं बिना अलॉटमेंट के वहां रह रहे हैं, उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता और अवैध रूप से वो रह रहे हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है। तो आप शासन की नीतियों को देख सकते हैं कि किस तरीके से मुझे जो है वो जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। मुझे मालूम था कि इस तरह की चीजें आएंगी और लेकिन हम इन सब चीजों से डरते नहीं हैं, हम डटकर मुकाबला करेंगे। ये जितनी नकारात्मकता मेरे बारे में प्रचारित करेंगे मुझे लगता है कि मुझे उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए। इसीलिए मैं सभी मीडिया बंधुओं को और सभी को बताना चाहती हूं कि जब मुझे इस नौकरी से ही मोहब्बत नहीं है तो मुझे उस आवाज से क्या होगा। तो मैं वो आवाज तो खाली कर ही दूंगी अपने इस कार्यक्रम के बाद। तो ये सरासर जो है ये सरकार का जो है ये तानाशाही रवैया है और तानाशाही पूर्ण ये पत्र है और इस तरह के पत्र और आगे आते भी रहेंगे, ये षड्यंत्र रचते रहेंगे, लेकिन हम घबराने वाले नहीं है। जय हिंद।